Hello everyone, today I will start operations on algebraic expressions. I have noted some questions from exercise 6A. कुछ क्वेश्चन नोट किए एक्सरसाइज 6A से, इसको करते हैं उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. और ये अंडरस्टूड है कि 8th में आप एलजेब्रा से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं, लाइक व्हाट इज कॉन्स्टेंट, what is a variable and what is a polynomial, what is expression, what is equation. लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई confusion है तो आप इसी में आप 7th क्लास के लिए जो वीडियो है आप देख सकते हैं, algebraic expression क्लास 7 आप सर्च कीजिए, इसी में आपको मिल जाएगा. और हम लोग यहाँ से प्रोसीड करते हैं. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है एडिशन का. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है. ऐड 4x² - 7xy + 4y² - 3, 5 + 6y² - 8xy + x² एंड 6 - 2xy + 2x² - 5y². इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट वी विल राइट दीज एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ एडिशन. पहले इस एक्सप्रेशन को एडिशन के फॉर्म में लिख लीजिए. टू स्टेप में जस्ट इसको सॉल्व करना है. प्लस एंड यूज ब्रैकेट +6y² - 8xy. ऑलवेज यूज ब्रैकेट whether इट इज गिवन इन द क्वेश्चन or not. क्वेश्चन में दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, अगर एक्सप्रेशन को एड करना है तो ब्रैकेट जरूर यूज कीजिए. +6 - 2xy + 2x² - 5y². चलिए फर्स्ट स्टेप में तो इसका रिमूव करेंगे ब्रैकेट. सिंपली लिख लेंगे इसको, कहीं कोई साइन चेंज का प्रॉब्लम नहीं है. माइनस अगर करते हैं एक्सप्रेशन को तो उसमें हम लोग को साइन चेंज करना पड़ता है. 6 - 2xy + 2x² - 5y². चलिए इसको एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर रहा है. नो कॉलम, नो राइटिंग द लाइक टर्म अलोंग विद, साथ साथ लिखना उसको पास में कोई जरूरी नहीं है. फर्स्ट जो आपका टर्म है से एक्स स्क्वायर वाला टर्म है आपका 4x² तो देखिए और कहाँ कहाँ है 4x² वाला. यहाँ पे हम हेल्प के लिए हिंट के लिए हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर आपका देयर हियर हियर, 3x² वाला लाइक टर्म ही है. जैसा कि जानते हैं हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म का ही होता है, तो लाइक टर्म हम पहले मार्क कर लिए. अब सिंपली थोड़ा देर के लिए वेरिएबल आप इसका भूल जाइए x², सिंपली नंबर देखिए. तो नंबर क्या है आपका 4, यहाँ पे यहाँ आपका +x² है, मीन्स 1x² + 1 है. यहाँ पे 4 आपका पॉजिटिव है, +2 कितना हुआ 4 + 1 + 2, 5 + 2 = 7 आपका हो गया 7x². x² का काम खत्म. अब नेक्स्ट है आपका xy वाला टर्म, तो xy वाले को अंडरलाइन करते हैं. हियर इट इज इन हियर. नोट कीजिए इसका नंबर विद साइन -7, फिर आपका इसका न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है 8 - 8, फिर इसका न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है -2. क्या होगा ये सिंपल एडिशन. यहाँ पे हम लोग एडिशन ऑन इंटीजर्स का रूल फॉलो कर सकते हैं लाइक दिस -7 + -8 + -2. एडिशन इंटीजर्स का क्या रूल है, अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दो या दो से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स या निगेटिव इंटीजर्स को एड करना हो तो पहले तीनों का नंबर एड कर दीजिए. सिर्फ नंबर विदाउट साइन 7 + 8 + 2 क्या हो गया 7 + 8 = 15 + 2 हो गया आपका 17. और अब कॉमन साइन पुट कर दीजिए इसके पहले, तो कॉमन साइन क्या है तीनों का नेगेटिव माइनस है -17, क्या होगा -17xy. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट. ये भी टर्म हो गया आपका एक्स वाई का. नेक्स्ट है आपका y² - y² फिर से इसका वही न्यूमेरिक कोएफिशिएंट लिखिए +6 - 5, ये क्या होगा 4 + 6 = 10 - 5, 5. इट्स वेरी सिंपल. यहाँ आपका 5 वाई दैट इज +5, 5y² y² वाला भी हो गया. अब आपका बचा कौन नेक्स्ट देख रहे हैं -3 बचा, 3 न्यूमेरिक टर्म, तो लिखिए -3 + 5 + 6 + 6, ये क्या हो जाएगा
सिक्स प्लस फाइव इलेवन, माइनस थ्री प्लस इलेवन क्या हो जाएगा आपका एट हो जाएगा। प्लस को अपनी जगह पर रहने दीजिए, माइनस थ्री को इधर, इलेवन को इधर, ये हो जाएगा इलेवन माइनस थ्री एट। हाउएवर आई एम नॉट ऑब्लाइज टू टेल दिस, लेकिन फिर भी इंटीजर का है कुछ को प्रॉब्लम हो जाता है। आपका हो गया प्लस एट, दैट्स ऑल, सॉल्व हो गया। देख लीजिए यहाँ पे चार ही तरह का टर्म है, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर, और एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो सब हम लोग कर लिए एक एक करके, एडिशन हो गया। सिंपली एक स्टेप में जस्ट किए हैं। नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट फोर पी स्क्वायर प्लस फाइव पी स्क्वायर माइनस सिक्स आर स्क्वायर प्लस सेवन फ्रॉम थ्री पी स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर माइनस फाइव आर स्क्वायर माइनस सिक्स। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक्सरसाइज 6 ए का। इसमें प्रिकॉशन क्या लेना है, जोन ऑफ कॉशन यहाँ पे क्या है, कुछ स्टूडेंट सिंपली क्या करते हैं, देखिए और दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस एक्सप्रेशन लिख के कर दिए, सारा कुछ सही करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन को वो कन्वर्सली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस माइनस दिस। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेंगे एक और देखेंगे किसको किसमें माइनस करना है। यहाँ पे थोड़ा देखिए, ये जो है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें आपको ये पहले लिखा जाता है, इसका हिंदी हुआ इसमें से इसको घटाइए, इसमें से मीन्स दिस माइनस दिस। प्लस अगर आता है तो किसी भी तरह से ऐड कीजिए, प्लस कम्यूटेटिव होता है इंटीजर्स पे, नंबर्स पे, रेशनल नंबर्स पे, फ्रैक्शन पे, सब पे, इसलिए उसको ए प्लस बी कीजिए, बी प्लस ए कीजिए चलेगा, ए प्लस बी कीजिए या बी प्लस ए कीजिए, ऑलवेज दिस आर ट्रू। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपका a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, सब्ट्रैक्शन आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है किसी पे भी, नंबर होल नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर्स किसी पे भी नहीं होता है, फ्रैक्शन नंबर किसी पे भी ये नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये जोन ऑफ कॉशन है, यहाँ पे समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, दिस माइनस दिस नहीं, फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखते हैं, इसका सिंपल हिंदी हुआ इसमें से इसको घटाइए, ये प्रीपोजिशन है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यहाँ मैथ्स में थोड़ा सा इंग्लिश भी है। थ्री पी स्क्वायर माइनस करते हैं सारा को सोल्यूशन सही, लेकिन दिस माइनस दिस कर देते हैं, जिसके चलते गलत हो जाता है। ब्रैकेट में हमेशा लिखेंगे माइनस फोर पी स्क्वायर प्लस फाइव पी स्क्वायर माइनस सिक्स आर स्क्वायर प्लस सेवन। ब्रैकेट में लिखने का अभी इंपॉर्टेंस पता चलेगा, माइनस में यहां तो हटा लीजिए, इसके ऊपर कहीं कुछ नहीं है, यहां पे सिंपली आपका ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, तो जैसे हम लोग ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो ये साइन आपका सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी ऑपरेटर साइन है प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए फोर पी स्क्वायर क्या है, प्लस दिख रहा है, लेकिन ब्रैकेट हटते ही क्या हो गया माइनस फोर पी स्क्वायर, जस्ट फोर के पहले आपका माइनस आ गया, चेंज हो गया, यहाँ पॉजिटिव था ये, फिर आपका माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट इंपोज करते हैं। कभी कभी आपका एडिशन में भी फर्स्ट साइन जो होता है टर्म का नेगेटिव होता है टर्म, इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है वहां, क्योंकि कोई एक्सप्रेशन आप ऐड कर रहे हैं प्लस है माइनस, मान लीजिए थ्री एक्स है, अगर ब्रैकेट आप नहीं देते हैं तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है माइनस को आप कुछ भी, इसलिए इट इज गुड हैबिट टू यूज ब्रैकेट। अब फिर से जैसे वहां पे लाइक टर्म को मार्क किए थे और एक साथ किए थे, यहाँ वही करेंगे। अब ये आपका एडिशन क्या, एडिशन क्या सब्ट्रैक्शन, ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन सब बराबर हो गया, यहाँ पे इंटीजर का गेम है यहाँ से, जैसे इसके पहले वाले को किए थे ऐड, अब ये उसी के सिमिलर हो गया। मार्क कीजिए थ्री पी स्क्वायर फोर पी स्क्वायर, दो ये पी स्क्वायर का, इसका भी उसी तरह से कोएफिशिएंट लिखिए थ्री, यहाँ आपका न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है माइनस फोर, थ्री माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन दैट इज माइनस पी स्क्वायर, वन अगर कोएफिशिएंट रहता है तो नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यू स्क्वायर का टर्म, क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ भी नोट कीजिए, यहाँ आपका माइनस फोर न्यूमेरिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे माइनस फाइव, सॉल्व कीजिए इसको, फिर वही माइनस फोर माइनस फाइव, इसको ऐसे कीजिए या माइनस फोर प्लस माइनस फाइव कीजिए, इंटीजर का एडिशन का रूल याद कीजिए, जब दो नेगेटिव या दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना होता है सिंपली नंबर को ऐड करते हैं और कॉमन साइन पुट करते हैं, माइनस नाइन दैट इज माइनस नाइन क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका आर स्क्वायर, हेयर आर स्क्वायर एंड हेयर इट इज, फिर वही माइनस फाइव प्लस सिक्स क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा वन, कैसे प्लस को रहने दीजिए, सिक्स को इधर लिखिए माइनस फाइव को इधर लिखिए, डबल साइन आए तो ब्रैकेट दीजिए, सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन,
यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, तो ग्राफ क्या होगा, दैट इज प्लस 1 आर स्क्वायर, जो 1 कोएफिशिएंट होता है तो नहीं लिखते हैं, सिंपली आर स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस 6 माइनस 7, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 13, कॉमन साइन माइनस 30, हियर इट इज। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 टू गेट 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1। इसमें अभी तक जैसा कि आप लोग बनाते आए होंगे, सीधे डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन को दूसरे में माइनस कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इस एक्सप्रेशन में क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, किया जाना चाहिए, किस लिए, टू गेट, पाने के लिए, क्या दिस मीन्स इसमें आप क्या माइनस कीजिए कि आपको ये आ जाए। तो निश्चित है आप लोग जो अभी तक फॉलो करते हैं दिस माइनस दिस कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करेंगे, दूसरा को फॉलो करेंगे, इसमें से करें क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, मान लेते हैं एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो ये आएगा। तो चलिए करते हैं, एक्सप्रेशन कैसे होगा, 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1, इसमें हम मान लेते हैं कि x माइनस करेंगे x, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x माइनस x बता रहे थे, हम x को ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी तरफ, x को दूसरी तरफ भेज दीजिए, x भेज दिए दूसरी तरफ, दूसरी साइड भेज दिए, ट्रांसपोज कर दिए इसको, इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब जो इधर से आपका ये जो x को छोड़ के जो भी है आप उसको लेफ्ट साइड भेज दीजिए, अब ट्रांसपोजिशन रूल याद रखिए, नेक्स्ट साइड अगर भेजेंगे तो क्या होगा, जो आपका प्लस जैसे 4 स्क्वायर इधर आपका प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 7 भी यहां पे माइनस है, यहां आके आपका प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये आपका माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इधर बच गया आपका सिर्फ आरएचएस में एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब ये पहले की तरह हो गया, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन, ए स्क्वायर और तो कोई नहीं है, इसका नहीं ये वही 3 माइनस 4 आपका 3 माइनस 4 होता है माइनस 1 हो गया माइनस ए स्क्वायर। अब आपका ए बी माइनस 6 ए बी प्लस 7 ए बी, तो माइनस 6 प्लस 7 आपका होगा 1, 7 प्लस माइनस 6 कीजिए 7 माइनस 6 आपका जगह 1, 1 हो गया, 1 है अभी ए बी दैट इज प्लस ए बी, 1 कोएफिशिएंट होता है न्यूमेरिक तो नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 4 क्या होगा 1 होगा, ये हो गया आपका 1 बी दैट इज प्लस 1 बी दैट इज प्लस बी। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ऑब्वियसली इट इज माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू एक्स। अब यहां पे आप लिख दीजिए वर्ड्स में, हेंस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी माइनस 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 6 ए, द पेरिमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 6 पी स्क्वायर माइनस 4 पी प्लस 9 एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स आर पी स्क्वायर माइनस 2 पी प्लस 1 एंड दिस, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे आपको अलजेब्रा है, इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री मिक्स कर दिया, इसके ज्योमेट्री का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एक ट्रायंगल का आपका पेरिमीटर दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, फिर आपको उसी ट्रायंगल का दो साइड्स का आपको दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, हमें को थर्ड साइड पता करना है। तो पेरिमीटर एक न्यू टर्म है यहाँ पे अल्जेब्रा में, तो पेरिमीटर क्या होता है, द लेंथ ऑफ इट्स सराउंडिंग, लेंथ ऑफ सराउंडिंग ऑफ अ प्लेन फिगर,
कोई प्लेन फिगर है तो उसके चारों तरफ का जो लेंथ होता है बाउंड्री का, उसी को हम लोग पेरिमीटर बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन साइड आपका होता है, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे पेरिमीटर हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए। इसी में से आपका पेरिमीटर दिया हुआ है, तीनों साइड का सम दिया हुआ है और आपका दो साइड दिया हुआ है सेपरेटली, तो आपको पेरिमीटर निकालना है। जैसे यहाँ पे तीनों साइड के सम में, दैट इज पेरिमीटर में माइनस कर देंगे, पेरिमीटर माइनस सम ऑफ इट्स टू साइड्स दैट आर गिवन। या फिर डायरेक्ट लिखिए थर्ड साइड इक्वल टू पेरिमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड्स हियर एज पर गिवन, जैसा दिया हुआ है। पेरिमीटर हो गया तीनों साइड का सम, माइनस यहाँ सम ऑफ टू साइड्स कर देंगे जो दिया हुआ है, तो मेरा थर्ड साइड निकल जाएगा। तो पेरिमीटर आपका कितना है, 6p² - 4p + 9। इसमें माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखिए इसको, माइनस करेंगे इसमें दोनों साइड का सम, दैट इज एक साइड का आपका दिया हुआ है 5p² - 2p + 1, दूसरा साइड आपका ये 3p² - 5p + 3। अभी आपका सिंपली एडिशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू तरह हो गया। अब इसको कीजिए, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 6p² - 4p + 9 माइनस इसके अंदर का पहले कर लीजिए, p² - 2p + 1 प्लस, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, कहीं कोई साइन चेंज नहीं होगा, कहीं ब्रैकेट के पहले कहीं कोई माइनस साइन नहीं है हमारा, अब यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव कीजिए, एक ही साथ कर लेंगे सबको जैसा पहले से करते आए हैं। माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस है, अंदर का सारा ऑपरेटर का साइन आपका चेंज हो जाएगा, जहां जहां प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर या माइनस है, माइनस है तो माइनस आपका प्लस हो गया, 2p माइनस प्लस है यहाँ तो माइनस हो जाएगा -1, यहाँ प्लस है -3p² माइनस है ये प्लस हो जाएगा 5p प्लस है -3 हो जाएगा। ब्रैकेट के पहले अगर प्लस साइन है तो अंदर जैसा है एज इट इज विल बी, जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का आपका साइन आपका अपोजिट हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6p² इसीलिए ब्रैकेट के पहले प्लस हो तो ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए, लेकिन माइनस हो टेक अ पॉज, जनरल स्टूडेंट्स यहां पे गलती कर जाते हैं। p² 6 - 1 - 3 6 - 1 - 3 क्या हो जाएगा, 6 - 1 - 5 - 3 2 हो गया आपका ये प्लस 2 2p² नेक्स्ट है आपका p वाला टर्म है आपका -4 + 2 इसका नंबर का कोएफिशिएंट है +5 तो 2 + 5 = 7 -4 + 7 हो जाएगा आपका 3 दैट इज +3 3p नेक्स्ट है आपका q नहीं इट इज 9 कॉन्स्टेंट टर्म है 9 - 1 - 3 9 - 1 = 8 8 - 3 = 5 यानी +5 दिस इज द थर्ड साइड। सो फार वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नाउ वी विल डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो विदाउट एनी इंट्रोडक्शन आई एम गोइंग टू स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपका बुक्स में है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोम्यूल्स, एक टर्म वाला मोनोम्यूल्स का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट निकालना है, तो उस केस में सिंपली जैसे आपका 2x + 3x है, 2x * 3x है, तो नंबर को नंबर से और वेरिएबल को वेरिएबल से कर दीजिए, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा और x * x = x² हो जाता है सिंपली। और मोनोम्यूल को अगर आप बाइनोमियल से यानी दो टर्म वाले से करते हैं, 2x + 3x + मान लीजिए 4 हुआ है, इसमें क्या करते हैं पहले ब्रैकेट को रिमूव करने का, फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट रिमूव करते हैं, तो 2x जो है आपका ब्रैकेट के पहले वो आपका जैसे ब्रैकेट रिमूव होगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2x 4y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका ये मोनोमियल यहाँ पे परफॉर्म कर लीजिए। और इस तरह से फिर बाइनोमियल का दैट इज दो टर्म वाले का जब प्रोडक्ट करते हैं, या हम एक बाइनोमियल और पॉलीनोमियल का प्रोडक्ट आपको बताते हैं, जैसे a + b * अगर करना है c + d + e के, तो सिंपली पहले क्या करना है a को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कीजिए,
दैट इज ए इंटू सी प्लस डी प्लस ई, फिर आपका यहां पे प्लस है, प्लस दीजिए, फिर बी को आप सबके साथ कीजिए, सी प्लस डी प्लस ई। इस तरह से आप बाइनोमियल और पॉलीनोमियल ही नहीं, पॉलीनोमियल एंड पॉलीनोमियल का कितना भी सारा टर्म दिया रहेगा निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहीं पे ए प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी से, तो पहले ए मल्टीप्लाइड बाय दिस फिर प्लस, बी मल्टीप्लाइड बाय दिस फिर प्लस, सी मल्टीप्लाइड बाय दिस, उसके बाद मल्टीप्लाई करके फिर लाइक टर्म को एड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐसा भी है। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से। हियर आई हैव नोटेड थ्री क्वेश्चंस, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है जैसा कि आपका दो बाइनोमियल का, तो चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करना है, एक्स टू दी पावर फोर को करना है इससे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दीजिए, नहीं भी देते हैं तो बराबर है, फिर प्लस वाई रेज टू दी पावर फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए अब इसको कर दीजिए, x रेस टू द पावर 4, x रेस टू द पावर 2, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद कीजिए, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, माइनस ये आपका x 4 ये y, लाइक टर्म नहीं है तो इसको सिंपली प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, जब लाइक टर्म नहीं है तो सिंपली प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, फिर प्लस y रेस टू द पावर 4 * x स्क्वायर आपका, ये भी आपका अनलाइक टर्म है, सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अल्फाबेटिकली लिखेंगे, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, ये आपका कम्यूटेटिव होता है, ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, फिर माइनस यहाँ पे फिर आपका लाइक सेम वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पे लाइक टर्म में सेम वेरिएबल है आपका, तो वाई रेस्ट टू द पावर फोर यहाँ टू है आपका, तो हो जाएगा माइनस सिक्स होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कोई लाइक टर्म है, नहीं, यहीं पे हो गया। फिर नेक्स्ट आपका सेम है लेकिन फ्रैक्शन में, नो प्रॉब्लम, यहां पे वही करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस फिर प्लस, दिस मल्टीप्लाइड बाय, कभी कभी यहां रिकॉर्डिंग चल रहा है, कभी कभी थोड़ा सा जो निकलना चाहिए मुंह से नहीं निकलता है, दूसरा चीज निकल जाता है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप लोग, ऐसे हमको ध्यान में आता है तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। चलिए x 4 मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा आपका x रेस टू द पावर 5 फिर प्लस x 4 रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x, यहां आपका ये 3 में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखिए, यहां आपका दिस x यहां पे 3 से एक एक x कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आपका 5 ये हो गया आपका x क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 फिर प्लस इधर आपका न्यूमरेटर में 1 x कैंसिल ही हो गया तो 1 बाय x क्यूब फिर यहां प्लस 1 बाय x 4 1 * 1 1 और x 4 रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x 5 दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ट्राइनोमियल है, ये भी 3 टर्म का, ये भी 3 टर्म का, 3 टर्म का, नो प्रॉब्लम, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो गया, मोनोमियल के प्रोडक्ट से बाइनोमियल, बाइनोमियल के प्रोडक्ट से थोड़ा सा लेंदी हो गया। तो चलिए 2x² मल्टीप्लाइड बाय दिस 3x² माइनस 5x प्लस 4 नाउ प्लस है प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय दिस 3x² माइनस 5x प्लस 4 फिर आपका माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस 3x² माइनस 5x प्लस 4। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, 2x² इंटू 3x² पहले तो नंबर का नंबर से कीजिए देन वेरिएबल के वेरिएबल से करेंगे, 2 3 जाओगे आपका 6 और x² इंटू x² होगा x रेज टू द पावर 4 फिर माइनस है माइनस दीजिए यहाँ प्लस ये तो 2 5 जा 10 हो गया आपका x² इंटू x हो गया एक्स क्यूब फिर यहाँ पे आपका प्लस 4 है सिंपली हो जाएगा 4 2 8 एक्स स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय 3x² तो 3 3 जा 9 और x मल्टीप्लाइड बाय x² एक्स क्यूब फिर माइनस 3 5 जा 15 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर फिर आपका प्लस है यहाँ भी प्लस है प्लस दीजिए यहाँ देखिए माइनस कैसे हो प्लस इंटू माइनस माइनस साइन भी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तीन चीज का ध्यान रखना है साइन टू साइन नंबर टू नंबर इन वेरिएबल टू वेरिएबल 3x मल्टीप्लाइड बाय 4 यहाँ प्लस 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 हो गया आपका 3 4 जा 12x
फिर आप देखिए यहाँ माइनस है, सबका साइन चेंज कर देगा ये अंदर, माइनस सेवन थ्री जा माइनस ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर, फिर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव एक्स, यहाँ कोई इसके साथ वेरिएबल नहीं है, फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस हो गया, सेवन मल्टीप्लाइड बाई फोर ट्वेंटी। अब इसमें एक स्टेप और करना पड़ेगा जैसे एडिशन में करते हैं, तो आई लिव इट फॉर यू ऑल, एडिशन बता चुके हैं, आप लोग इसका एडिशन कर लीजिएगा। थैंक यू, इन द नेक्स्ट क्लिप आई विल वी विल डू द डिविजन ऑन एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। थैंक यू।